गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं युसी मिश्रा आपके लिए दिन प्रतिदिन कोई नया नया टॉपिक लेके आता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ सेल और विल, जिससे आप पहले से ही परिचित होंगे। सेल का प्रयोग या विल का प्रयोग, जिससे आप पहले से ही परिचित होंगे। आप जानते होंगे अटेंशन पावर इज लव टेंस, अगर आप इंक्लूड करें तो टेंस में तीन मेन पार्ट होते हैं, आप बहुत पहले से जानते होंगे। प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं, इससे हमें अभी के समय में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इस पर हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये बीते हुए मीन्स भूतकाल को बताते हैं, जो समय बीत जाता है उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आता है ये फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर और नेचर दोनों का उच्चारण एक तरह से होता है, इसलिए आप इस स्पेलिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहां जो दे रहा है फ्यूचर का हो जाएगा भविष्य काल, इससे हमें भविष्य की जानकारी होती है। भविष्य काल, प्रेजेंट जो वर्तमान बताता है, पास्ट जो बीता हुआ काल, और फ्यूचर जो भविष्य काल के बारे में बताता है, आने वाले समय के बारे में बताता है। उसका हम प्रयोग नॉर्मली करते हैं। एक चीज आपको बहुत दिमाग रखना होगा, या बहुत ढेर सारी चीजें होती है जिसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल मीन्स करके, उसका अगर हम प्रयोग करें तो समझ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है इस टॉपिक में जो हम फॉरएवर रिमेंबर कर सकते हैं, सदा सदा के लिए इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, आप प्रेजेंट देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया बदलती है, कंटिन्यूअस में बदलती है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं आपस में बदलती रहती है। सेम टू सेम दशा आपकी पास्ट की बनती है, पास्ट इंडिफिनिट में कुछ और, कंटिन्यूअस में कुछ और, परफेक्ट में कुछ और, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ और। लेकिन जब हम फ्यूचर पढ़ते हैं, FUTURE, तो उस फ्यूचर टेंस में एक बात बहुत फायदे की आपको मिलती है, इसमें हमें सेल या बिल के बिना, मीन्स सेल या बिल लगाए बिना, हम किसी भी दशा में फ्यूचर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर को हम नहीं जोड़ सकते हैं। चाहे वो हम फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़े, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़े, चाहे फ्यूचर परफेक्ट पढ़े, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े, बहुत सीधा सा इसका सवाल है कि बिना सेल या विल के हम फ्यूचर की पहचान नहीं कर सकते। या कहा जा सकता है कि अगर फ्यूचर का अस्तित्व है तो सेल और विल के दम पर है। सेल और विल को अगर इससे डिलीट कर दिया जाए, मींस निकाल दिया जाए, तो फ्यूचर ही अस्तित्व में नहीं रहेगा। इट मींस सेल और विल का प्रयोग हमें जानकारी में रख लेना होगा कि कहां हम सेल लगाते हैं और कहां हम विल लगाते हैं। इनकी हिंदी जो नॉर्मली आप प्रयोग करते हो वो गा गी गे, जैसे जाएगा जाएगी जाएगे जाएंगे, पढ़ेगे पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे, सोएगा सोएंगी सोएंगे। तो ये गा गी गे से हम पहचान लेते हैं कि यह फ्यूचर है। किसमें पहचानेंगे? जब हिंदी में मिलेगा। इंग्लिश में क्या प्रयोग करेंगे? सेल या बिल के बिना। कुछ चीजें होती है जो ट्रिक से सदा के लिए याद कर लेते हैं, तो
तो ट्रिक आप जरूर जानकारी रखा करिए कि बिना सेल या विल के फ्यूचर का अस्तित्व तो नहीं हो सकता है। इट मीन्स सेल या विल के बिना हम फ्यूचर को नहीं बना सकते, चाहे वो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आज मैं आपको नॉर्मली जो यूज कर रहा हूं वो सेल और विल का, इस सेल और विल के प्रयोग में आप थोड़ी सी सावधानी देंगे, बहुत ज्यादा आपको इस पर नहीं दिमाग लगाना है क्या प्रयोग इसको माइंड में रखिए। एक वचन और बहुवचन का यहां कोई मतलब नहीं होता है, यहां पर्सन से मतलब होता है। पर्सन मींस जैसे व्यक्तिवाचक, पर्सनल प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसमें पर्सन में फर्स्ट पर्सन आते हैं, सेकंड पर्सन आते हैं और थर्ड पर्सन आते हैं। तो आपको माइंड में ये रखना है इन दोनों पर्सन के लिए हमें विल का प्रयोग करना है। और फर्स्ट पर्सन मींस आई वी आई, चाहे जो कह ले आप, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन आते हैं, इनके साथ हमें प्रयोग करने होते हैं सेल के। अब पूछेंगे कि सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, वाई ओ यू, थर्ड पर्सन में भारी फौज है, बहुत लंबी सर्किल है, लंबी सर्किल मीन्स आप ही सीट से ही काम नहीं चलता है, इसमें और भी कंडीशन लागू होती है। क्या है इसमें, ही सी इट दे और नेम्स जो आते हैं, नाम आते हैं, तो ये आपका बन जाता है थर्ड पर्सन। आप छोटे से ट्रिक में याद कर लीजिए, छोटे से चीज में आपको याद करना है, आई वी को सेल, से सबको विल, मींस जब करता हमारा आई या वी रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, शेष अन्य कोई भी करता मिल जाए, शेष अन्य अंग्रेजी में रेस्ट अदर बोलते हैं, रेस्ट मीन्स आराम भी होता है लेकिन रेस्ट मीन्स शेष भी होता है, शेष अन्य के साथ हम लगाते हैं विल। ये आपका साधारणतः नियम है, इसी के द्वारा हम आप प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल, शेष सभी के साथ विल। मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग हिडन होता जा, सेल का प्रयोग हिडन होता जा रहा है। जितनी वेस्टर्न कल्चर से निकली हुई अब की लैंग्वेज है उसमें सेल को हिडन कर रहे हैं और विल से ही काम चला ले रहे हैं, क्योंकि हमें चूंकि ग्रामेटिकल पोर्शन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए इनका प्रयोग थोड़ा सावधानी से देखना पड़ता है। तो आई और वी के साथ सेल, शेष के साथ अन्य, कैसे, जरा इस पर आज आप डिबेट करिए, डिस्कस करिए, तो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कहा वह कल जाएगा, जानते होंगे आप कल दो प्रकार के होते हैं, वह कल जाएगा, ही विल गो, ही विल गो, क्यों ही लगा, क्योंकि वह है और जाएगी होता तो सी लगता, तो ही विल गो कब जाएगा, टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, प्राय पूछ लेता है, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, प्राय लोग डबल एम लिख देते हैं, ये स्पेलिंग गलत हो जाती है। आने वाले कल के लिए टुमारो, बीता हुआ जो कल होगा उसके लिए स्टरडे प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या कह रहा है, ही विल गो टुमारो, वह कल जाएगा। अगर यह कह दिया गया मैं आज आऊंगा, मैं आज आऊंगा, कर्ता मैं मिल गया तो क्या लिखेंगे, आई, और अभी मैंने पीछे आपको बताया कि आई और बी के साथ सेल, तो आई सेल
कम, आई सैल कम, आई के नाते क्या लगा, सैल लगा, ही के नाते क्या लगा, विल लगा। ये तो बड़ी सीधी सी बात है, आई और वी आ जाएंगे कर्ता के रूप में, तो हम सैल लगा देंगे और शेष अन्य कुछ भी आ जाए, आई वी के अतिरिक्त कुछ भी आ जाएगा तो हम उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आई सैल कम, आज दिया है, आज मीन्स टूडे, टी ओ डी ए वाई, ये आपका बन गया फ्यूचर टेंस में सैल और विल का प्रयोग। ये तो नॉर्मल दिखाता है आपको, नॉर्मल सेंस में आते हैं। जैसे यह कह दिया गया कि वे विद्यालय पहुंचेंगे, वे विद्यालय पहुंचेंगे, दे विल रीच स्कूल। अब यहां दे रहा है दे विल रीच स्कूल, क्यों दे के साथ विल लगा, क्योंकि आपको बार बार रिमाइंड करना होगा कि आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सैल लगाते हैं, शेष अन्य के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो दे विल रीच स्कूल हिंदी हुई, वे विद्यालय पहुंचेंगे। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, ध्यान से समझिएगा, नहीं आया समझ में नोट लिया, नोट कर लिया करिए, मैं पुस्तक खरीदूंगा, खरीदने का भी ले लीजिए मैटर, मैं पुस्तक खरीदूंगा, खरीदूंगा, ये आपका है। आई सैल, क्यों सैल लगा रहे हैं, क्योंकि कर्ता आई है, मैंने बताया था कर्ता को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, क्रिया में कौन लगा रहे, कौन पुस्तक खरीदेगा, मैं, तो आई सैल, खरीदना यहां मेन वर्ब है, तो आई सैल बाई, बी यू वाई, बाई मीन्स खरीदना और एस ई एल सेल मीन्स बेचना। तो आई सैल बाई क्या खरीदूंगा, पुस्तक। बताए थे आपको हम क्रिया में क्या लगा दीजिए या किसको लगा दीजिए तो कर्म मिल जाएगा। तो आपका हो गया कर्ता, सहायक क्रिया सैल, बिना सैल विल के फ्यूचर का अस्तित्व नहीं हो सकता। बाई मेन वर्ब हो गया और बुक आपका मेन ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका सैल और विल का प्रयोग। थोड़ा सा इससे अपवाद की चीजों को जोड़ लिया जाए, अपवाद मीन्स वो नियम से थोड़ा हट जाता है, और जब नियम से हटता है तो वही हमारे आपके जीवन में ज्यादा आता है, वही हमें आपको ज्यादा झेलना पड़ता है। अगर हिंदी में अवश्य आ जाए, अवश्य, जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा, तो उसका अनुवाद क्या होता है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। मैं अवश्य जाऊंगा, यहां अगर आप आई के साथ सैल कर देंगे तो ये आपका रूल कट जाएगा, मीन्स गलत हो जाएगा। करना क्या है आपको, जब वाक्य में धमकी देना, विश्वास दिलाना, वचन देना है, या किसी ऐसे कार्य के प्रति दृढ़ता का भाव देना आए तो इसमें नियम बदल देते हैं, मीन्स आई और वी के साथ उल्टा वही कर देंगे जो आप पढ़े हैं नियम, उसी का उल्टा। आई और वी के साथ हम क्या कर देंगे, विल कर देंगे, शेष के साथ हम क्या कर देंगे, सैल कर देंगे। तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए, जिसे याद दे रहा है कि मैं अवश्य जाऊंगा। अब अवश्य की अंग्रेजी यहां आपको नहीं लिखना है, अगर आपने लिख दिया आई सैल गो तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या बताया गया है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सैल लगाते हैं। लेकिन अगर वाक्य में
अवश्य आ जाए, दृढ़ता आ जाए, विश्वास दिलाने का भाव आ जाए या धमकी देने का भाव आ जाए तो यह नियम बदल जाता है। यहां आप क्या करेंगे, आई और वी के साथ नियम आप पलट देंगे, क्या प्रयोग कर देंगे, विल प्रयोग कर देंगे। यहां क्या हो जाएगा, आई और वी के साथ विल हो जाएगा। शेष जो अन्य कर्ता आपके बनेंगे, शेष अन्य कर्ता में कुछ आपको नहीं समझना है, केवल ये जान लेना है कि आई और वी के अतिरिक्त और जो भी कर्ता बनेंगे उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, सैल का कर देंगे। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे यहां वाक्य कह रहा है मैं अवश्य जाऊंगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, मैं अवश्य जाऊंगा, इसका आप अनुवाद अवश्य की अंग्रेजी ऐसे वाक्यों में नहीं लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसका अनुवाद होगा आई विल। फिर आपका दिमाग चकराएगा कि सर आपने तो आई और वी के साथ सैल बताया है, लेकिन अभी मैंने बताया कि जब अवश्य आ जाए वाक्य में या दृढ़ता आ जाए तो आई विल गो, आई विल गो, इसकी हिंदी हो गई मैं अवश्य जाऊंगा। फिर आप आ जाइए, जैसे ये कह दिया गया कि वे अवश्य पढ़ेंगे, वे अवश्य पढ़ेंगे, यहां आप क्या करेंगे, दे सैल, दे के साथ सैल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां अवश्य आ रहा है, तो दे सैल रीड, हिंदी हो गई वे अवश्य पढ़ेंगे, यहां अवश्य की इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ डैमेज है, कहां गए सर, दिख रहा है, तो जैसे वे अवश्य पढ़ेंगे, अब यहां दे के साथ हम क्या लगा रहे हैं, सैल का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां अवश्य आ गया है। तो आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अगर वाक्य में सैल और विल का प्रयोग करना हो और वह दृढ़ता, विश्वास, धमकी, जैसे कह दिया गया वे तुम्हें अवश्य पीटेंगे, वे तुम्हें अवश्य पीटेंगे, अवश्य की अंग्रेजी यहां आपको नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, केवल आप हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन कर लेंगे, वे तुम्हें अवश्य पीटेंगे, मेमा अनुसार क्या हो जाएगा, दे सैल, वैसे क्या चाहिए, आई और वी के साथ हम सैल लगाते हैं, लेकिन यहां दे के साथ हम क्यों सैल लगा बैठे, क्योंकि अवश्य की अंग्रेजी, अभी मैं बार बार बता रहा हूं कि यह अवश्य की इंग्लिश आपकी बनेगी, तो दे सैल बीट, वैसे अगर आता कि वे तुम्हें पीटेंगे तो उसका अनुवाद आप डायरेक्ट करते, दे विल बीट यू, तुम्हें की अंग्रेजी यू हो जाएगी, दे विल बीट यू, ये आपका बन गया। दे के साथ आप सैल क्यों लगाए, बार बार मैं आपको फोकस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां अवश्य की अंग्रेजी के लिए हम सहायक क्रिया का परिवर्तन कर देते हैं।
नियम क्या बताता है? केवल आई और वी के साथ हम सहल लगाए, लेकिन अगर विश्वास दिलाना, धमकी दिलाना या धमकी देना या किसी कार्य पर दृढ़ता के भाव आते हैं तो उस दशा में हम क्या करते हैं? आई और वी के साथ सहल, शेष अन्य के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। यहां दे रहा है दे विल बीट यू, दे सहल बीट यू, दोनों में अंतर है। वे तुम्हें पीटेंगे, वे तुम्हें अवश्य पीटेंगे, अवश्य जब आ जाएगा तो ये दृढ़ता आ जाएगा, और वे तुम्हें पीटेंगे ये नॉर्मल भाव आएगा। तो इस तरह से आज के प्रयोग के लिए आपको पढ़ाया गया यूज ऑफ सेल और विल। सेल और विल के प्रॉपर सेंस में बताया गया कि आई और वी के साथ सेल, सेस के साथ विल। लेकिन अगर वाक्य से दृढ़ता, फर्मनेस, धमकी देना, विश्वास दिलाना, वचन देने का भाव आता है तो यह नियम हम पलट देते हैं। मीन्स आई और वी के साथ हम विल लगा देते हैं, शेष अन्य के साथ हम सेल का प्रयोग कर देते हैं। ए लॉट ऑफ थैंक्स।